हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो बहुत ही जल्द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री लेने वाले हैं और जिनका जिक्र बहुत पहले से होते आ रहा है और उसके ईस्टर एग्स हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढते रहते थे। तो गाइस, आप लोगों के मन में ये ख्याल तो ज़रूर ही आया होगा, ये जो पास्ट में बैट नेब्यूला लड़ रही थी, ये सोल्जर्स थे कौन और ये प्लैनेट कौन सा था जहाँ पे थानोस जाके मैसेकर परफॉर्म कर रहा था। पहले जो थ्योरीज आ रही थी वो ये थी कि ये हो सकता है कि ये नीडा वेलेर हो, जहाँ पे एत्रीज जैसे लोग रहते हैं और वहाँ पर वो जाके उन सबको मार रहा था। लेकिन अब जब हमारे पास एवेंजर्स एंड गेम की पूरी स्क्रिप्ट आ चुकी है तो हम लोग एक एक सीन का शॉट बाय शॉट पढ़ सकते हैं। और इसी में पेज नंबर 64 एंड 63 में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बैट नेब्यूला जिनसे लड़ रही होती है वो कार्बोनाइट सोल्जर्स रहते हैं। कॉमिक बुक फैंस तो कार्बोनाइट सुनते ही समझ गए होंगे कि ये कार्बोनाइट किसके ओर इशारा कर रहा है। असल में कार्बोनाइट इशारा है बेटा रे बिल के होम वर्ल्ड की, और जिसका जिक्र यहाँ पर हो चुका है। ये जो अटैक किया जा रहा था थानोस द्वारा, ये कॉर्बिन में हो रहा था। एंड आप लोग में से कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि बेटा रे बिल का सर तो घोड़े के जैसा होता है, तो ये सोल्जर्स उसके जैसे कहीं पे भी नहीं लगते। तो सबसे पहले इन लोगों ने सूट पहना हुआ है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्बोनाइट्स का फेस वैसा नहीं होता है, बल्कि बेटा रे बिल स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट कर के बनाया गया था इस तरह कि जब उनका प्लैनेट तबाह किया जा रहा था सर्टर द्वारा, तो उसके बाद से वो उन्हें लीड करता, वो उन्हें प्रोटेक्ट करता। क्योंकि ये अटैक 2014 में हो रहा था और हम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक में जो देखा वो 2016 से 2018 के बीच में होता, तो सकार में जो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा रिबिल का एस्टर एक यानी कि उसका एक मॉन्यूमेंट जो यहाँ पर बना हुआ देखा था, जो कि चैंपियंस के ही बनाए जाते हैं, तो मे बी यहाँ पर जो बेटा रिबिल की ओरिजिन है कॉमिक्स के जैसे एकदम एक्यूरेट ना करते हुए कॉर्बिन को सर्टर नहीं डिस्ट्रॉय करता है बल्कि थानोस डिस्ट्रॉय करता है, और उसके बाद ही कुछ रेफ्यूजीज यहाँ वहाँ चले जाते हैं और बेटा रिबिल सकार में जा गिरता है। और उसके बाद से वही जैसे कि ग्रैंड मास्टर उन लोगों को आपस में लड़वाते हैं और वहाँ पे बेटा रिबिल जीतता है। अब बेटा रिबिल इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉमिक का पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसने थॉर के म्योनिर को उठाया था और उसी के जैसे पावर पोजेस करने लगा था, जिसके बाद ओडिन ने उसे स्टॉर्म ब्रेकर बना कर दिया था। इनफैक्ट हम लोगों को बेटा रिबिल थॉर रैग्नारॉक में ही दिखने वाला था, लेकिन टाइका वाटिटी को लगा कि ये इनजस्टिस होगा उस कैरेक्टर के लिए क्योंकि वो उस मूवी में एज अ कैमियो ही आते, इसीलिए उन्हें आगे के प्रोजेक्ट के लिए बचा के रखा गया था। और इसलिए एवेंजर्स एंड गेम में भी हमें स्पेसिफिकली नहीं बताया गया था कि ये कार्बोनाइट्स ही हैं, लेकिन हमें स्क्रिप्ट के जरिए पता चल गया। और इसके बाद ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि थॉर लव एंड थंडर में हमें बेटा रिबिल देखने को ज़रूर मिलेगा, तो लेट्स सी कि क्या हमें बेटा रिबिल थॉर 4 में देखने को मिलता है या नहीं। सो गाइस, क्या आप इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। और मुझे अब ये भी बताएं कि अब आगे किस चीज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पुराने हो तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।